और जो खबर हमको मिल रही है वो मुंबई से, बाल ठाकरे बताया जा रहा है लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। पेट में दर्द की शिकायत बताई जा रही है बाल ठाकरे को। आपको याद होगा अभी दो दिन पहले ही बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की हार्ट सर्जरी हुई थी और अब बाल ठाकरे को पेट दर्द की शिकायत के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस वक्त फोन लाइन पर है मुंबई से। कमलेश, क्या हुआ है बाल ठाकरे को? जी, सुबह खबर ये आ रही थी कि उनके पेट में कुछ तकलीफ है, उसके चलते उनको लीलावती अस्पताल में लिया जाएगा, लेकिन उनकी उम्र देखकर उनको 6-7 दिन के लिए रखा जाएगा और बाकी भी जो उनकी तकलीफ है उनके मद्देनजर उनको 5 दिन के लिए यहाँ रखा जाएगा। उनके जो रूटीन एग्जामिनेशन थे वो इस वक्त किए जाएंगे। शिवसेना की तरफ से हमने जब सूत्रों से बात की तो उनका कहना है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, कोई सीरियस मामला नहीं है। उनके 5 दिन के लिए रेगुलर चेकअप वहां पे होते रहेंगे और जहां तक उनको आना जाना यहां पे लगा रहेगा, इसलिए यहीं पर रुक के उनकी पूरे एग्जामिनेशन किए गए, इसीलिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 5 दिन तक वहां पर रहेंगे और हो सकता है कि उसके पहले अगर एग्जामिनेशन उसके पहले उनको डिस्चार्ज दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ चिंता का कारण शिवसेना में इसलिए था कि एक ही दिन पहले शिवसेना के कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे को डिस्चार्ज मिला था, उसके बाद तुरंत अभी बाला साहब को एडमिट किया जा रहा है, उसको लेकर चिंता का माहौल था। लेकिन शिवसेना की तरफ से कुछ नेताओं ने यह बात क्लियर कर दी कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, रूटीन एग्जामिनेशन और रूटीन चेकअप होगा। शुक्रिया कमलेश इस अपडेट के लिए। तो कमलेश सुतार बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि पेट दर्द की शिकायत हुई बाल ठाकरे को, जिसके बाद उन्हें 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है ताकि तमाम रूटीन जांच और ऑब्जर्वेशन उनके हो सकें।